हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। यहाँ पर गाइस, जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर रेन डे के लिए एक फ़ोटो एडिटिंग। तो अभी का मौसम ऐसा ही है, हर रोज़ बारिश ही हो रहा है। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था इसके ऊपर कि भाई हर रोज़ जो बारिश हो रहा है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, मतलब इसके ऊपर भी एक एडिटिंग करो। तो इसलिए आज मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। तो गाइस यार, वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं सब कुछ अपडेट डाल देता हूँ, और इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो जाकर फॉलो कर लेना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, ये वाला बैकग्राउंड मैं पिक्सार्ट के अंदर ओपन कर लिया हूँ। एंड यहाँ पर जो भी कुछ यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड के लेकर पीएनजी तक जो भी कुछ यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को 10 सेकेंड का ऐड दिखाएगा, उसके बाद स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा, स्किप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ पर तो मैं ओपन कर लिया हूँ, एंड फोटो को भी यहाँ पर ऐड फोटो से ऐड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड फोटो से ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, फोटो को भी ऐड कर लिया हूँ, एंड कटआउट भी, तो कटआउट पिक्सर से ही किया था। तो बहुत मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। तो जिन लोगों को नहीं आता है पिक्सार्ट से कैसे कटआउट करते हैं, तो वो लोग मेरा मतलब वो जो पिक्सार्ट से कटआउट किया था उसका ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सिंपली लेफ़्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पर ऐड फोटो में क्लिक करके जो पीएनजी है अम्ब्रेला का, वो ऐड कर लेंगे हम लोग। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, अम्ब्रेला की जो पीएनजी है वो ऐड कर लिया हूँ, दो ऐड किया हूँ यहाँ पर। तो आप लोग सोच रहेंगे कि दो अम्ब्रेला यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक साइड एक अम्ब्रेला को साइड पर रखता हूँ, और पहले अच्छी तरीके से फ़ोटो को यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अम्ब्रेला को कुछ इस तरीके से आप लोगों को बिठाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ले आना है, और ये जो बैकग्राउंड मतलब जो इमेज था मेरा, उसको आप लोगों को ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पहले फिक्स कर लेना होगा आप लोगों को। फोरग्राउंड में होगा जो आपका अम्ब्रेला होगा, वो फोरग्राउंड में होगा, ठीक है ना गाइस, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, फोरग्राउंड में चला गया, और जो ये वाला सेकेंड वाला जो अम्ब्रेला है, उसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जूम करेंगे, और इसके साथ कुछ इस तरीके से मैच करवाएंगे, ठीक है। और गाइस, सिंपली मैच करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर इरेज का जो हार्डनेस है इसको फुल कर लेंगे, ठीक है, और साइज बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, और ऊपर का जो अम्ब्रेला का जो पार्ट था उसको इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, जितना हिस्सा मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों को उतना हिस्सा करना है, आप लोग देख लेना आप लोगों को कितना करना है। तो यहाँ पर कर लिया हूँ, ठीक है, और जो यहाँ पर हैंड मतलब जो पकड़ा हूँ उसको भी यहाँ पर इरेज कर लेंगे, ताकि लगे कि हम लोग ये जो अम्ब्रेला है, जो छतरी है, यहाँ पर पकड़ के रखा हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कट लगा दिया हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से ही कर लेना होगा, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर हो गया है, एंड ऊपर से मैं डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अम्ब्रेला पकड़ा दिया हूँ, यहाँ पर ऊपर से मैं डन कर देता हूँ, और दो यहाँ पर पीएनजी ऐड कर लूँगा यहाँ पर। तो ऐड फोटो से फिर से ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, ये वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, एंड इसका जो यहाँ पर रेन ड्रॉप है, दो या तीन यहाँ पर हाथ के सामने रखेंगे, क्योंकि हाथ फैला हुआ है यहाँ पर मेरा, तो इसलिए मैं ये रेन ड्रॉप दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही पुराना पिक्चर है मेरा, तो जो यहाँ पर बहुत सारा रेन ड्रॉप है उसको यहाँ पर हम लोग आके इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे नहीं ज़्यादा, सिर्फ हैंड के ऊपर मतलब फिंगर्स के ऊपर एक रेन ड्रॉप या दो ड्रॉप रखेंगे, ठीक है। तो बहुत दिन पहले का पिक्चर है ये, पिक्चर क्लिक किया था कुछ और रीज़न से, मतलब कुछ और टाइप का एडिटिंग करने के लिए, लेकिन अभी तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है, मतलब फ़ोटोशूट में नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पर बारिश हो रहा है इतना, चार दिन से क्या बताऊँ यार। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया हूँ, देख सकते हो, एक या दो रेन ड्रॉप यहाँ पर रखा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से कर लेना होगा, एंड ऊपर से डन, यहाँ पर फिर से डन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं ऐड फोटो के अंदर जाऊँगा गाइस। तो ऐड फोटो से देख सकते हो, यहाँ पर दो पीएनजी और ऐड कर लिया हूँ, एंड ऊपर की तरफ लगाऊँगा एक कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लगा दिया हूँ, एंड कुछ इस तरीके से एक नीचे से लगाऊंगा, ठीक है ना। तो नीचे से भी कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ, एंड इरेज टूल पर जाऊँगा, और यहाँ पर जो फेस के ऊपर आ रहा है जो रेन ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है बारिश, तो यहाँ पर फेस के ऊपर से हटा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो गया है, बहुत बढ़िया,
एंड क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग डन कर देंगे। तो यहाँ पर छतरी का जो है अंदर, इसको भी रिस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से डन कर दिया हूँ एंड यहाँ से भी डन कर देता हूँ। तो बहुत बढ़िया हो गया है ये भी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पर ऐड फोटो में जाएंगे और हेयर पीएनजी ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, हेयर पीएनजी यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ। अगर कुछ इस तरीके से आप लोग पोज करके, पोज दे के फोटो क्लिक करवाओगे तो हेयर पीएनजी जो है वो फिट हो जाएगा। अगर कुछ और टाइप से पोज दे के क्लिक करवाओगे तो फिट नहीं होगा। तो मैं ये भी बता दिया हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से हेयर्स बनाना है, और जिन लोगों को बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है कि ऑटोडेस्क स्केच बुक से कैसे हेयर्स बनाते हैं, तो जाकर वो वीडियो एक बार चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से फ़िट कर देता हूँ मेरा हेयर्स को, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये मेरा ही हेयर्स है इसलिए अच्छी तरीके से फ़िट हो गया है। तो मैं ऊपर से इसको डन कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ पर फिर से ऐड फोटो में जाता हूँ। और ये जो रेन सीजन वाला टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऊपर के साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लगा रहा हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड, यहाँ पर लगाना है आप लोगों को भी। ऊपर से डन कर देता हूँ एंड फिर से मैं ऐड फोटो में जाऊँगा। आप लोग सोच रहे हो कि इतने बार ऐड फोटो में क्यों जा रहा है, तो मैं चाहूँ तो एक साथ ही ऐड कर सकता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग चाहे तो एक साथ ही ऐड कर सकते हो, तो एक साथ अगर ऐड करोगे तो दिक्कत भी होगा थोड़ा, इसीलिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, दो पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, और इसका जो ब्लेंड मोड है इसको मैं स्क्रीन कर दूंगा और ऊपर के साइड कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो इसका ओपासिटी है हल्का सा कम करूंगा, इतना नहीं रखूंगा, कुछ इतना रखूंगा। और ये जो पीएनजी है इसका भी जो ब्लेंड मोड है इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और नीचे से लगाऊंगा इसको मैं कुछ इस तरीके से, नीचे से छोटा करके लगाऊंगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो तो ये वाला पीएनजी यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैच हो जाता है बैकग्राउंड के साथ, इसीलिए। तो इसको भी ऐड कर लिया मैं, ऊपर से डन कर दूंगा। तो यहाँ पर लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ बाकी नहीं रहा, मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली ड्रॉ टूल में जाऊँगा, सॉरी गाइस, यहाँ पर ड्रॉ टूल में जाऊँगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करूँगा एंड सेव इमेज यहाँ पर कर लूँगा एंड जाऊँगा स्नैपशीट के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्नैपशीट के अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, स्नैपशीट के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर स्नैपशीट में आने के बाद यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो गाइस, पेन का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिलेक्टिव टूल चूज़ कर लूँगा, और जो फेस का यहाँ पर कलर है थोड़ा सा वाइट करूँगा क्योंकि ब्लैक है, तो थोड़ा सा यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, सिलेक्ट करके आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप लोग लाइटरूम में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ही कर लेता हूँ वाइट वगैरह में, तो आप लोगों को ये इस वीडियो में दिखा रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर हो गया है डन, और फिर से जाता हूँ सिलेक्टिव टूल में और हैंड को भी यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ। हो गया है, बहुत बढ़िया। फिर से जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर ट्यून इमेज, ठीक है। और ट्यून इमेज में आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन अप करने पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा एंड ऊपर से डन कर दूँगा, ठीक है ना गाइस। तो कुछ इतना ही किया था, और इस फोटो को मैं ऊपर से डन कर दूँगा और सेव कर लूँगा। अब जाऊंगा लाइट रूम के अंदर। गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, मैं लाइट रूम के अंदर आ चुका हूँ फोटो को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर कलर टूल पर आऊँगा मैं, और कलर टूल में आने के बाद मिक्स टूल के अंदर जाऊँगा, और मिक्स टूल में आने के बाद यहाँ पर ह्यू यहाँ पर पहले कम करूँगा, ठीक है, और सैचुरेशन थोड़ा सा डालूँगा, ठीक है, हो गया है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ऑरेंज में आऊँगा, ऑरेंज का सैचुरेशन थोड़ा सा कम करूँगा और लुमिनेंस हाई करूँगा फेस वाइट करने के लिए, हो गया बहुत ही बढ़िया। तो अब आऊँगा येलो कलर में, येलो कलर का यहाँ पर देख लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। और जो यहाँ पर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का भी ह्यू यहाँ पर फुल कर देंगे, इसका भी फुल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर येलो का भी फुल ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा दिखने में। तो यहाँ पर इसका भी फुल कर दिया हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, मेरे फोटो के साथ यह अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को ये भी इंक्रीज़ करना है। इतना फुल सैचुरेशन यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो ये मेरा जो फ़ोटो है, मेरे फ़ोटो के मुताबिक से यहाँ पर मैं अमाउंट रख रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर सैचुरेशन फुल कर रहा हूँ, ग्रीन का भी सैचुरेशन फुल कर रहा हूँ। आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को देखना है आप लोगों के पिक्चर में कौन सा अच्छा लग रहा है, मतलब कितना अमाउंट रख रहा हो तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कलर में आ जाता हूँ, ब्लू कलर में, और इसका ह्यू थोड़ा सा कम करता हूँ, सैचुरेशन भी कम कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर जो यहाँ पर लुमिनेंस है इसको थोड़ा सा कम रखता हूँ, ठीक है, हो गया है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं करूँगा, सिंपली मैं ऊपर से डन कर दूँगा और आ जाऊँगा नीचे इस टोल में, और यहाँ पर क्लियरिटी थोड़ा सा डालूँगा, बीनेट ऑप्शन थोड़ा सा डालूँगा यहाँ पर, और नीचे आऊँगा इस टोल में, शार्पनिंग थोड़ा सा डालूँगा, नॉइस रिडक्शन डालूँगा,
कलर नॉइज़ नहीं डाल लूँगा, ठीक है, और स्मूथ उतना नहीं डाल लूँगा क्योंकि पहले से स्मूथ है फेस यहाँ पर देख सकते हो। और एक बात बताना मैं भूल गया था आप लोगों को गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फेस मैं स्मूथ कर लिया हूँ, मतलब जो स्नैपसीड है स्नैपसीड में फेस वाइट किया हूँ। वाइट करने के बाद मैं ऑलरेडी स्केचबुक से फेस को स्मूथ कर लिया हूँ। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही सिखा दिया था, तो जो लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है कि स्मूथ कहाँ से करते हैं फेस को, मेरी तरह अगर करना चाहते हो तो देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा कि ऑटोडेस्क स्केचबुक से आप लोग किस तरीके से फेस को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया है, तो इस मेरा फोटो में मैं बस कुछ इतना ही किया था। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, स्टोल पर आता हूँ और स्प्लिट टोन यूज़ करूँगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ इतना यूज़ करूँगा स्प्लिट टोन, और शेडोज भी थोड़ा सा डाल देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा डालूँगा एकदम, ठीक है इतना। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि देख सकते हो फोटो कंप्लीट हो चुका, आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मतलब कलर ग्रेडिंग इफेक्ट डालने के बाद मतलब पहले कैसा था देख सकते हो गाइस। यहाँ पर डुप्लीकेट लग रहा था पिक्चर, और ये देख सकते हो गाइस कलर ग्रेडिंग इफेक्ट डालने के बाद कैसा लग रहा है। तो गाइस यार वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि अभी रेन का सीज़न चल रहा है, बारिश हो रहा है, हर दिन बारिश हो रहा है, तो सब लोग करना चाहते हैं इस दिन के लिए फोटो ग्रेडिंग। तो जाओ यार शेयर कर दो सबको, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गेमिंग चैनल है, जो पबजी में इंटरेस्ट रखते हो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हो जाकर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।